इस जगह क्या नाम? इस जगह तो लेक का नाम माउंट है अर्जुन को भी। देखो लेक का नाम माउंट है, लेक जो पानी से भर जाता है, तो बीच में गार्डन। ये जो लेक है ये माउंट है, पानी के ऊपर एक कारपेट रखा हो। केसर बाग बोलते हैं, केसर क्यारी। पहले यहाँ केसर लगाने के लिए ट्राई किया लेकिन गर्मी की वजह से केसर नहीं लगा, पर इसका नाम केसर बाग है। उस टाइम राजा का प्लान था, हवा पानी से टकरा कर ठंडी हवा केसर का खुशबू सही था। एंट्री तो होगी उधर जाने की? वो पैदल आते हैं, हाथी से आते हैं, वो इधर से आते हैं। अच्छा अच्छा फोटो तो लो माउंटेन की। और ये इधर जो सामने है वो बाउंड्री वॉल है, सुरक्षा दीवार आमिर नगर का, परकोट चार दीवारी। लुक लाइक स्मॉल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो गाइस अभी जिस जगह पे हैं हम, तो वीडियो अगर लंबी बनी तो वीडियो को शॉर्टकट में लेना होगा, समझो दो तीन पार्ट में। तो वीडियो के साथ बने रहना, ठीक है गाइस। ये आपको हरियाणा में कौन सी जिले से आया? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हाँ, जहाँ पे महाभारत युद्ध हुआ था। दिल्ली पास कर देंगे? कैसे? नहीं, दिल्ली से तो 150 किलोमीटर आगे है। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ये हसनाबाद है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सी स्मेल 1639 में बना था। तो गाइस अभी आप जो ये देख रहे हो ये सी स्मेल, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1639 में हुई थी और इंडिया का सबसे बड़ा सी स्मेल है। नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सी स्मेल। हाँ और सबसे बेस्ट इसमें बेल्जियम, इटली और ईरान से लगा ग्लास लगा हुआ है। राजा के यहाँ दो रानी थी, दोनों रानी के उन्होंने दोनों साइडों में दो बेडरूम बना रखे हैं। सी स्मेल में दोनों साइडों में सेपरेट बेडरूम है। ठीक ठीक। उस टाइम की लाइट नहीं था, दिए जलाते थे, दिए का रिफ्लेक्ट ग्लास में गिरता था, ऐसा लगता था जैसे आसमान में तारे चमक रहे हो। राजा और रानी बेडरूम में रेस्ट करते ऐसा महसूस करते थे कि हम किसी बंद कमरे में आराम न करके खुले आसमान में तारों की छांव के नीचे रेस्ट कर रहे हो। और लैंप से ग्लास गर्म हो जाते थे, ग्लास गर्म होने से इसको विंटर बेडरूम एंड विंटर पैलेस भी कहते हैं। नेचुरल हीटिंग सिस्टम विदाउट लाइट। अब आप एक फोन दो मेरे को, मैं आपको एक बहुत अच्छा फोन। गाइस ये है शीश महल जो भी आप देख रहे हो। लेडीज गार्डन रानी के लिए बनाया था। ये पौधे कभी नहीं है। ये आप जो देख रहे हो जनाना बाग है, ये ओनली सिर्फ लेडीजों के लिए ही बनाया गया था। और इस तरीके से आपको देखने का व्यू कैसा लग रहा है वीडियो में कमेंट करके बता देना। तो गाइस हमें तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है आकर, आप भी आना चाहो तो आ सकते हो यहाँ पे। महारानी पहाड़ी फंक्शन टाइम हैवी ड्रेस हैवी ज्वेलरी पहनती थी, 9 किलोग्राम ड्रेस 5 किलोग्राम ज्वेलरी। चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, दो ड्राइव करती थी, चंदन की लकड़ी का बना हुआ एंटीक पीस है। दासिया नहीं तो इसको किन्नर ही चलाते थे। इसका फोटो देखा ऐसा आएगा नहीं, मैं ले सकता हूँ मोबाइल दो इसका, इस व्हील चेयर कर लेना। कोई बात नहीं, आ जाओ फिर।
और ये इधर ये कूलिंग सिस्टम देखो, उस जमाने का कूलर बिना लाइट का बरसात का पानी टैंक्स में कलेक्ट करते थे, पानी को दोनों साइड मारो जाली से वाटरफॉल की तरह गिराते थे, गिरते पानी को बाहर से हवा टच करके निकलता था, ठंडा हुआ आता था, बाद में पानी यहाँ से गार्डन में चले जाता था, पहले ग्लास नहीं था। और रिंग जो ऊपर देख रहे रानी का झूला लगता था, स्विंग, यहाँ रानी झूले में बैठती थी और झूले में बैठ बैठ उनके पैर पानी पे चलते रहते थे, रानी के पैर पानी में और महारानी अपना फेस को मिरर में देखती रहती थी, लुक लाइक सेल्फी, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। ये काम भी पुराना है, चंदन की लकड़ी का दरवाजा है जिसके ऊपर हाथी दांत का काम है, सैंडलवुड पे आइवरी, आइवरी में जो डिजाइन है वो सेम डिजाइन, गार्डन एंड डोर ज्योमेट्रिकल डिजाइन ये वाला देखो। अब आपको राजा मानसिंह का जो भी आप ये लकड़ी देख रहे हो ये चंदन की लकड़ी है, ठीक है गाइस। राजा मानसिंह ये गाइस मानसिंह महल के अंदर अभी हम जा रहे हैं, अंदर जाकर आपको दिखाते हैं अंदर कैसा रहेगा, ठीक है गाइस। प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को जितना हो सके दबा के शेयर कर देना ताकि दोबारा फिर यहाँ का टूर निकाला जाए और आपको इसी तरीके का मनोरंजन कराया जाए। राजा के अलावा कोई भी दूसरा जेंट्स यहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए ओपन जकूजी बनाया, सुरक्षा गार्ड यहाँ पे किन्नर होते थे, कभी कभी महाराजा बैठते थे, लाइव वीडियो फॉर एंटरटेनमेंट। चलो फिर चढ़ ले ऊपर ही देख ले, ओ देख ले चले ऊपर, देखो पहले समझ लो एक बार फिर मैं आपको छोड़ता हूँ फोटोग्राफी के लिए, आप सब लोग फ्रेंड हो या भाई हो, फ्रेंड ही है भाई, चल रहा है यही हमारा एक उत्साह हरियाणा पंजाब में तो ऐसे भाई में भी मजाक सब चलता है, सब अच्छे तरीके से दोस्त की तरह शेयर कर देना, हमारे राजस्थान में से नहीं करते। अच्छा हाँ बड़े भाई से छोटे भाई की एक दूसरे की बात होती है, जिम तो घर राजी का नाम ना ले मैं इसका क्या सारे जरूरी भाई पता क्या था ना देवान सिंह जिसको 12 रानी थी, फिर वो इधर देखो इसमें पेंटिंग में समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है, इसे बारादरी बोलते हैं। अब देखो एक बार आप या मेरे नंबर ले लो या आपको किसी का नंबर दे दो मेरे को, क्योंकि कई बार मिस हो जाती है तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, नंबर ले लो, नंबर ले लो, नंबर ले लो मेरे को दे दो नंबर, बोलो सर ये 87082 भाई नौ भाई, बोलो नंबर बोलो 87082 भाई नौ भाई क्या नंबर दो 08। तो गाइस देखते रहना ये महल किस तरीके से बने हुए हैं, ये एक किस्म का भूल भुलैया है, और अभी हमारे दो साथी थे वो तो उनसे बिछड़ चुके हैं, ये देखो ये देखो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, ये देखो गाइस तो एक किस्म का भूल भुलैया है। आ जाओ इधर चलते हैं इधर देखते हैं युक्रम मचाई खेलने युक्रम मचाई खेलने आप थोड़ा पकड़ाई खेल रहे हैं खेलना भी हम आ गए भी घड़िया की जल्दी करो बड़ा सवाल है हैं जल्दी करो बड़ा सवाल है हां अरे खेली चला ऊपर देख लो जाएंगे भाई अरे ऊपर आ जा ना इस साइड आ जा ना तो देखना ये है यहाँ पे भूल भुलैया अरे पटारी पे जाना कहाँ छोड़ के जाना पे रास्ता नहीं है भाई जाने का तो अभी देखना ये रास्ता कैसा है और गाइस सीढ़ियाँ देखो कितनी बहुत ही ज्यादा
सीन आई है उनसे पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है, कितनी मोटी होगी कम कम से कम देख दिख रहे थे इसमें पता नहीं अग मोट गया ठीक है देख डांस करो रे डांस करो। तो गाइस ये देखना इस तरीके से ये यहाँ पे बने हुए हैं और बिल्कुल अंधेरा है अंदर और ये देख रहे हैं ये बंदा खड़ा है हमारा। तो गाइस डर तो लग रहा है आपको तो हेलो गाइस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो अब आगे का जो भी पार्ट देख पाओगे वो नेक्स्ट पार्ट में देख पाओगे ठीक है आगे का नजारा जैसा भी होगा। तो अभी इस वीडियो को करते हैं समाप्त। बाय बाय दोस्तों।